जब ही तो बोला मैंने पेनफुल वे टू बिल्ट मसल। आप देख सकते हो एब्स की भी कंडीशन बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। और अभी तो जस्ट मेरी साइकिल स्टार्ट हो गई है, मेरे पास बहुत महीने अभी। व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, मेरे गर्दन में पेन जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऐसे ना फ़ोन चलाता हूँ, काम करता हूँ सारे, तो कपिंग एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। कपिंग भी कई तरीके की होती है, बट मैं नॉर्मल कपिंग कराता हूँ। बहुत सारे लोग खून वून वाली कराते हैं, बट मेरे को ज़्यादा सही नहीं लगता वो खून वाली कपिंग। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है भाइयों मसल बिल्ड करने का, मोस्ट पेनफुल वे टू ग्रो मसल इन बॉडी बिल्डिंग, कपिंग थेरेपी। मेरे है ना, देखो सर प्रॉब्लम क्या आती है मैं बताता हूँ। एक तो सबके एक यहाँ दर्द होता है क्योंकि मोबाइल ऐसे चलाना और सारी चीज़ें काम ऐसे करना। दूसरी चीज़ है ना, मेरे यहाँ पर मसल में है ना, ये कभी ठीक ही नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है अभी दर्द है, पर कई बार है ना इस मसल में दर्द होता है। हाँ, यहाँ एक मसल है, यहाँ बस इस साइड, हाँ यही है। तो क्या होता है, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलता हूँ तो उसमें ना ऐसे पोज करना पड़ता है, तो कई बार है ना ऐसे दर्द इतना भयंकर होता है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल स्टिफ हो जाती है मसल्स। तो इसी से हम ये थोड़े को इसके प्लस जॉइंट्स को रिलीज करेंगे। छोड़ती है ढीला। यहाँ ना मेरे को मेरी हड्डी निकल जाएगी कमर की, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो ये नहीं होती बैक की हड्डी जो दोनों से ये नहीं कराया अब तक। ये क्या स्टिफनेस के लिए होता है? जब ही तो बोला मैंने पेनफुल वे टू बिल्ट मसल। इतना भी रिलैक्स क्या करना भी है, जो लेके जाना पड़े मेरे को यहाँ से। तेरी काफ तो करता भी नहीं मैं जो काफ को सबका पोस्चर खराब है आज के टाइम पे, हमारा खुद का ही खराब है। 90% सही होगा मुश्किल से, 100 तो आएगा। लेग नेवर स्किप काफड़े उस साइड। फाइनली भाइयों,
कपिंग थेरेपी कंप्लीट और मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी मैं रिव्यू दूंगा इसके 2-3 दिनों बाद कैसा फील होता है, बट ओवरऑल बहुत बढ़िया था। ओवरऑल बॉडी जा रहे हैं भाई आज भीड़ नहीं है इस मार्केट में। क्या संडे है ना आज, मन नहीं कर रहा इस मार्केट में आने का भीड़ की वजह से। तो भाइयों घर पे आ गया था, ये जिम का सामान लेना था, बैग यहीं रखा हुआ था, चश्मा लाया, तुम्हारा भाई थाईलैंड गया था, चश्मा गुम हो गया था जिम में ही। बताओ अपने जिम में ही जब ओपनिंग हुई ना वहाँ चश्मा गुम हो गया, हद होगी मतलब। और भाइयों इसी बात पे पीते हैं एक स्कूप बल्क किंग का। ये है एक मास गेनर बट इसको मैं पीता हूँ एज अ मील रिप्लेसमेंट, मेरी चली हुई है गेनिंग, मेरे को करना मास गेन। इसमें है बढ़िया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, साथ साथ इसमें एमसीटी ऑयल भी है ना, हाँ एमसीटी ऑयल भी है, 5 ग्राम ग्लूटामीन भी है, 3 ग्राम क्रिएटिन भी है, 60 ग्राम प्रोटीन जो कि इसकी टोटल सर्विंग में आएगा, जो एक सर्विंग होती है इसकी। एक सर्विंग कितने स्कूप की है, 3 स्कूप की, पर मैं ले रहा हूँ 1 स्कूप क्योंकि मेरे को चाहिए अभी थोड़ी सी मील की तरह, इसको मैं मील की तरह ले रहा हूँ। तो अगर आपको मास गेन करना हो फिर तो ये है ही बहुत बढ़िया, और अगर आप लेना चाहते हो मेरी तरह इसको कभी भी दिन में 1 स्कूप आप ले सकते हो अगर आप गेनिंग करना चाहते हो, ठीक है। और पूरे दिन में अगर आपका गोल है बढ़िया गेन करना तो इसका 1 स्कूप करके 3 बार ले लेना। इसके साथ आता है एक ये बहुत ही बढ़िया शेकर लाल कलर का, तो इसको मैं एज अ मील रिप्लेसमेंट अभी ले रहा हूँ। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 999 रुपये से, जिसके साथ आपको मिलता है ये बहुत ही बढ़िया शेकर लाल कलर का। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना, डॉक्टर चॉइस का बल्क किंग। पहले मैंने ना चिप्स खाने की सोची थी, फिर यार वो चिप्स में वो फील नहीं आ रहा था इसलिए थोड़े से खा के छोड़ दिया ऐसे ही मैंने। चलो भाइयों चलते हैं, आज सोनिया का शूट होना है। चलो भाई हमारे जिम के शेफ है, बढ़िया खाना बनाते हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। आज ही लगता सामान आया है सारा, ये देखो भाई किचन कैसा है अपना जिम का, सारी चीज़ें प्रॉपर एकदम फ्रेश। सीधा देख रहे हो कैमरे की तरफ देखो, एक्साइटेड नहीं लग रहा। ये बात नाइस। एब्स आ गए, अरे बू ऐसे थोड़ी, ऐसे देखो सीधा इस टाइप का, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे क्या करो ऐसे देखो सीधा। तो सीन ये है भाई मेरे ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अभी भी पेन हो रहा है, तो मैंने उनसे पूछा था डॉक्टर से, उन्होंने बोला था अगर थोड़ा पेन फिर भी होता है तो कपिंग के बाद जो वो गन नहीं होती, कौन सी होती है यार, वो जो मसाज गन होती है, मतलब ला रही है सोनिया जिम में रखी हुई है, ठीक है, उस गन से अगर करेंगे ना यहाँ पर तो वो पेन पूरा चला जाएगा, तो वो करके देख रहे हैं एक बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी इंजरी रहे। वैसे भी कंपटीशन की तैयारी चालू हो गई है बड़ी मुश्किल से, थैरागन, हाँ थैरागन कुछ बोलते हैं इसको, हाँ हाँ ठीक है इसी से करना है, करना बैक पे कर दो एक बार, यहाँ करना लेफ्ट साइड पे, रुको लेट नहीं दो अभी लगा दो, क्या अब बॉडी पहले से सही हो गई एकदम। पूरी पीठ तो गोल गोल हो रहा होगा, चलो भाइयों अपने जिम को गुड नाइट मिलते हैं, फिलहाल हम जा रहे हैं घर पे, घर पे मतलब मम्मी के पास, नरेला यार क्या करे भाइयों, थोड़ा सा कम हो गया घर पे जाना, पर कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही अच्छा लगता है घर जाने में, हाँ उतने, हाँ
चोनू बेटे के पास चलोगे काकू के पास? चोनू बेटे बेस्ट जिम इन इंडिया, बेस्ट। चलो भाई स्पोर्ट्स मोड में देखते हैं क्या हिसाब है इसका। ये लग गई अपनी कार स्पोर्ट्स मोड में, एक दो तीन। मेरा खाया हुआ सब बाहर निकल जाएगा, मेरा खाया हुआ बाहर नहीं। भाई यार रोड अच्छा नहीं है, ये भगा नहीं सकते। चलो ठीक है, इतना ही नॉर्मल मोड में लगा देते हैं। अरे आजा यहाँ, जाओ यहाँ जाओ, हुई चीना मेरा बच्चा, आ जाओ वो, आ जाओ आ जाओ, चीना मेरा बच्चा करो, आयो ली बीली बच्चे चीना, आ जाओ, अरे चल आयो मेरा बच्चा, आयो मेरा बच्चा। बस थक गया वो, इसके टच करो। हेमा चावल बनाए के दे दो, थोड़ा सा चिकन डाल देना। मम्मी सब्जी कौन सी है या कौन सी दाल बना दी? अरे मम्मी इतने दिन बाद दाल चावल खाने का जी करा था। चोनू देख ले बेटे, देख ले क्या हो रहा है। मैं देने गई थी चावल और दाल। देख ले चोनू बेटे, देख देख ले बेटे, राज मामन बढ़िया लगती है, इन्हें ऊपर चढ़ा दो ना मन नहीं। आजा आइयो मेरा बच्चा, आजा मोनू ले ले चिड़ियल ले, अच्छा अच्छा खा। चोनू का तीन हो रहा है तुम्हें, भाइयों कल मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 दिन के बाद रेस्ट लिया था, मतलब वर्कआउट नहीं किया था क्योंकि कपिंग थेरेपी कराई थी। मैं बता नहीं सकता आज किस लेवल का पंप है। अगर भाई साहब मतलब चेस्ट अप की बार बना नहीं है बहुत तगड़ी, और आप देख सकते हो एब्स की भी कंडीशन बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। और अभी तो जस्ट मेरी साइकिल स्टार्ट हुई है, मेरे पास बहुत महीने अभी। लाइक कर दो वीडियो को, बैठो वो नरेला में। भाई एक चीज़ बहुत बढ़िया है, यहाँ पर है ना सब्जी मंडी है, तो यहाँ पर कभी फ्रूट सब्जियाँ या चिकन या कोई भी चीज़ की कभी कमी नहीं पड़ती। तो चलो भाइयों मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को पता है ना क्या करना है, कमेंट में बताओ भाई आज क्या करा जिम में, कैसा वर्कआउट हुआ, किस चीज़ का हुआ, बताया ज़रूर करो सारे के सारे। तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक सेकंड लगेगी। और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का आपको बटन दिखेगा दबा देना, सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटा दिखेगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी आपका भाई वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको पता चले कि भाई की वीडियो आ गई है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल नॉट पीस गेंस।